नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। ऐसे खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां मऊ विश्व मानवाधिकार दिवस गोष्ठी का आयोजन के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र बहादुर द्वारा किया गया। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर लोग सोमवार को शहर के हिंदी भवन में गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस दौरान मानवाधिकार पर बढ़ते खतरे के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कानून के शासन को बहाल करने पर बल दिया। प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार व नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत एवं जागरूक होने की जरूरत है। मानव अधिकार पर हमला बंद करो, शिक्षा और व्यवस्था का निजीकरण बंद करो, किसानों की आत्महत्या बंद करो, आज से अधिक अधिक छात्र नौजवान हमारे समाज में महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है उसे दूर करें। 10 दिसंबर आज मानव अधिकार दिवस है, इसे हम खत्म कर रहे हैं संकल्प के साथ में। इसके साथ में दो कार्यक्रम चल रहा है जो कि बाल विवाह मजदूरी, जैसे बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, उनसे मजदूरी कराया जाता है और यह चीज़ें हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक है। लड़कियों और लड़कियों के बीच में भेदभाव भी किया जाता है, इसी क्रम में दो बच्चों को सम्मानित भी किया गया। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र बहादुर द्वारा एक कोपागंज ब्लॉक के निहलता मोहम्मदाबाद गोहना के ऋषभ सम्मानित किया गया। न्यूज़ के लिए मऊ से मोनिका राय के साथ राहुल पांडे की रिपोर्ट। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे आईबी इंडिया न्यूज़ पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।